हेलो दोस्त, आप सभी का हमारे चैनल पी डी आर पाली में स्वागत है। आज ये हम महिंद्रा के XUV 500 की ग्लास मशीन अंदर से टूट चुकी है, जो हम आज इसको चेंज करेंगे। दोस्तों तो देखिए दोस्तों, ये महिंद्रा की ओरिजिनल पैकिंग है। ग्लास मशीन में इतनी बड़ी पैकिंग आती है, जिसकी MRP ये 2948 रुपये है। ये महिंद्रा की ओरिजिनल है दोस्तों, XUV 500 की, जो हम आज इसमें ऐड करेंगे दोस्तों। और हम आपको पूरा प्रोसेस समझाएंगे दोस्तों, किस प्रकार से ऐड होती है और किस प्रकार से वर्किंग करती है और कहाँ बोल्ट लगते हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम इसको अंदर ऐड कर लेते हैं। तो ये हमने इसको अंदर ऐड कर लिए। अब ये एक होल इसमें ऐड कर लेंगे, एक या नीचे, और 3 बोल्ट यहाँ पे साइड में ये होगी। अब हम इसमें 10 नंबर बोल्ट चाकी आएगी बोल्ट है, वो ऐड कर लेंगे दोस्तों। तो हम सबसे पहले इधर एक एक बोल्ट ऐड करेंगे। अब हम ये साइड के ऊपर भी एड बोल्ट कर लेंगे। इस प्रकार से हम ये नीचे वाला भी ऐड कर लेंगे। अब इसको हम 10 नंबर टॉमी की मदद से अच्छे से प्रेस कर लेते हैं दोस्तों। फिर हम इसके सारे बोल्ट अच्छे से टाइट कर लेंगे। अब हम दोस्तों इसमें ये पावर विंडो मेंब्रेन लगा के हम माउस ऐड करके इसको अप एंड डाउन करके देखेंगे सबसे पहले, ताकि हमें कोई समस्या हो तो सामने नज़र आ जाए। तो देखिए दोस्तों, ये हम इसकी सॉकेट इसमें ऐड कर देते हैं। तो हमने इसका सॉकेट ऐड कर दिया है दोस्तों। अब ये देखिए दोस्तों, यहाँ से ये सामने प्लग ऐड कर लेते हैं। सॉरी, प्लग ऐड हो गया। अब हम इसको अप एंड डाउन करके, ये देखिए दोस्तों, ग्लास मशीन कितने अच्छे से तरीके से अप एंड डाउन हो रही है। अब हम इसमें ग्लास ऐड कर लेंगे दोस्तों। तो ये हम ग्लास ऐड कर रहे हैं। ग्लास ऐड करते समय ध्यान दें दोस्तों, कहीं से वो टच ना हो, अगर कहीं से टच हो तो ग्लास फूट सकता है। तो देखिए दोस्तों, हमने इसमें ग्लास ऐड कर लिया है। अब इसके 2 बोल्ट हैं, वो भी हम ऐड कर लेंगे दोस्तों। ये हम पेचकस की मदद से यहाँ पे स्क्रू ऐड कर लेते हैं। ये दूसरा वाला भी हम ऐड कर लेंगे दोस्तों। ये दूसरा वाला हमने ऐड कर लिया है दोस्तों। अब इसको हम अप एंड डाउन करके देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये ग्लास कितना अच्छे तरीके से प्रॉपरली ऊपर अप एंड डाउन हो रहा है। ये देखिए दोस्तों, ये डाउन भी हो रहा है, ये अप। याद रहे दोस्तों, ग्लास लगाते समय
इसको 2-5 बार अप एंड डाउन करना चाहिए ताकि कहीं से कुछ समस्या हो तो वो नज़र आ सके। तो ये हमने ग्लास मशीन ऑयल हो गई है, अब इसके हम ये प्लाई वगैरह सब ऐड कर लेंगे। तो ये वेजर स्ट्रिप जो हमने निकाल ली थी वो ऐड कर लेते हैं। ये हम ट्रिम ऐड करेंगे वापस। ट्रिम ऐड करते हैं समय ध्यान दे दोस्तों, इसके जो आर सी लीवर वाले हैं जो वायर केबल हैं वो इसमें ही ऐड करें। 2 वायर केबल आती है, एक रेड कलर की जो रेड कलर की लगेगी आर सी लीवर में और रेड कलर येलो कलर की लगेगी वो लॉक में। अब हम इसकी स्क्रू ऐड कर लेते हैं। इसके 2 स्क्रू हैं, एक यहाँ पे ऐड होगा, एक इसके ऊपर ऐड होगा यहाँ पे दोस्तों, फिर इस पे ऊपर सिल्वर कलर की कैप ऐड हो जाएगी ताकि स्क्रू नजर ना आए। अब इसमें हम माउस ऐड करके देखते हैं दोस्तों, ये हमने माउस भी ऐड कर लिया है। स्विच, अब हम इसके ये कैप ऐड कर देते हैं ताकि स्क्रू नज़र ना आए। तो ये हमने कैप ऐड कर लिए हैं दोस्तों, ये साइड मिरर कैप है जो हम उसको भी ऐड कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों हमने इसको अच्छे से कर लिया है। अब ये देखिए दोस्तों ग्लास अप हो रहा है, एकदम स्मूथ चल रहा है दोस्तों। ये डाउन हो रहा है, एकदम अच्छे से प्रॉपरली वर्क कर रहा है। प्रॉपर पानी आया, ये मशीन मेरी ख़राब हो चुकी थी, ये मशीन अभी डाली इन्होंने क्या, और मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला यहाँ से। अब यहाँ से मैं बहुत अच्छा सेटिस्फाई होकर जा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और चीज़ बहुत अच्छी ओरिजिनल डाली है इन्होंने, देखो बहुत स्मूथ चल रही है, बिल्कुल इजीली चल रही है, जितनी इजी चलनी चाहिए ना यहाँ पे। मैंने और जगह भी ट्राई करा लेकिन ये चीज़ नहीं चल पाई जो अभी इसमें चल रही है क्या। मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला और आपको भी अच्छा ही रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, और आपसे निवेदन है यहीं काम करा है। PDR पाली के नाम से है, तो आप इसको ज़रूर अच्छा रिस्पॉन्स देंगे। आप आओगे यहाँ पे बहुत अच्छा लगेगा, और उसको सरप्राइज